हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरुजी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने जो है ये सभी पॉइंट इकट्ठे कर इनकी एक वीडियो बना दी है, जिससे कि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए। अगर आप 2 या 3 बार इस वीडियो को देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से ये पॉइंट याद हो जाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको ये कहूँगा कि आप इन पॉइंट को अपनी कॉपी में लिखें और 2-3 दिन तक सुबह और शाम पढ़ें, जिससे कि आपको ये पॉइंट अच्छी तरह से याद हो जाए, क्योंकि ये वह क्वेश्चन है दोस्तों जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है दोस्तों। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो हुआ था दोस्तों 1191 में। कब हुआ था? 1191 के अंदर तराइन का पहला युद्ध हुआ था। और इसके अलावा अगर बात करें तराइन के दूसरे युद्ध की, तो तराइन का जो दूसरा युद्ध था वो हुआ था 1192 के अंदर। तो आप इसे याद रखें कि तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो 1191 में, और तराइन का जो सेकंड युद्ध है वो हुआ था 1192 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1206 के अंदर। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वास्कोटी गामा का भारत आगमन, यानी वास्कोटी गामा भारत कब आया। तो इसका करेक्ट आंसर है 1498 में। कब आया था दोस्तों? 1498 के अंदर वास्कोटी गामा जो है भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, वो तो दोस्तों बहुत ज़्यादा बार रिपीट होते हैं, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1526 के अंदर। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 के अंदर। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है दोस्तों वो हुआ था 1556 के अंदर। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो हुआ था 1761 के अंदर। पानीपत का पहला युद्ध 1526, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556, और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1576 के अंदर। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1576 ईस्वी के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लासी का युद्ध कब हुआ। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 के अंदर। 1757 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ दोस्तों? प्लासी का युद्ध। दोस्तों इन क्वेश्चनों को आपको बार बार पढ़ना है, जिससे कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, क्योंकि इनमें से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बक्सर का युद्ध कब हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1764 के अंदर। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 के अंदर हुआ था बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में प्रथम विभाजन, यानी बंगाल विभाजन कब हुआ था। प्रथम बार जो है बाद में रद्द कर दिया गया था, ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1905 के अंदर। इस टाइम जो है लॉर्ड कर्जन था, 1905 के अंदर। नेक्स्ट है हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो हुआ था 1914 से 1918 तक, यानी 1914 को जो है युद्ध शुरू हो गया था और 1918 तक चला था। इसके बाद है सेकंड विश्व युद्ध कब हुआ था। सेकंड विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1939 से 1945 तक, यानी 1939 को विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 1945 तक चला था। उसके बाद 1945 में ही यूएन की जो है स्थापना हुई थी, जिससे कि युद्ध आगे ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब हुआ। असहयोग आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था? 1920 से 1922 तक, 1920 से 1922 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन का आगमन, यानी साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1928 में। ये दोस्तों वही क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं आपको बार बार इसीलिए बता रहा हूँ, जिससे कि आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लें और आपके जो ये जो नंबर हैं ये पक्के हो सकें, क्योंकि ये सिर्फ 2 पेज का काम है दोस्तों। अगर आप इसे बार बार याद करेंगे तो अच्छी तरह से याद हो जाएंगे और आपके ये जो नंबर हैं ये पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च
नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1930 को। कब हुआ था? 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी की हत्या, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी दोस्तों? 1948 को। कब हुई थी? 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चीन का भारत पर आक्रमण, चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था दोस्तों? चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1962 में। ये आपको याद रखना है 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का पाक, भारत पाक युद्ध यानी भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1965 के अंदर। पहले हुआ था चीन का, उसके बाद हुआ है पाकिस्तान और भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता जो है वो हुआ था 1966 के अंदर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कारगिल युद्ध, कारगिल युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1919 के अंदर, 1919 के अंदर कारगिल युद्ध। उसके बाद है चीनी क्रांति, ये जो क्रांतियां हैं दोस्तों इनमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चीनी क्रांति कब हुई थी दोस्तों? चीनी क्रांति हुई थी हमारे पास 1911 के अंदर। चीनी क्रांति कब हुई थी? 1911 के अंदर हुई है चीनी क्रांति। इसके बाद है फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1799 के अंदर। कब हुई थी? 1799 के अंदर फ्रांसीसी क्रांति, चीनी क्रांति 1911 के अंदर, और एक है रूसी क्रांति। इन तीन क्रांतियों में से हर बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। रूसी क्रांति हुई थी 1917 को, रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 को। पहले कौन सी हुई है दोस्तों? फ्रांसीसी क्रांति 1799, उसके बाद चीनी क्रांति 1911, और उसके बाद रूसी क्रांति 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ, मार्ले मिंटो सुधार जो है वो कब आए थे यहाँ पे? तो यह है दोस्तों 1909। क्या है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है? 1909। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप इस तरह की वीडियो और चाहते हैं हर टॉपिक पे, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आ सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे कि हमारी नई नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आपको नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।